गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी गेटवे होटल मसूरी। और यहाँ पर देखो सुबह सुबह धूप आ जाती है इस रूम में, यहाँ पे धूप आ गई है। और बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, ये देखो ऐसे चेयर पड़ी हुई है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये अभी चलते हैं, जल्दी तैयार हो रहे हैं भाई, 10 बजने वाले हैं, 10 बजे से पहले चेकआउट करना है। भाई होटल्स में सबसे बुरी बात पता क्या होती है, जो 10 बजे का चेकआउट देते हैं। 10 बजे का चेकआउट कभी नहीं होना चाहिए, 11 बजे का होना चाहिए। आदमी घूमने आया, रिलैक्स करने आया, लेकिन 10 बजे चेकआउट का मतलब है कि तुम्हें 8 बजे 8:30 बजे उठना पड़ेगा। और टेंशन में आ जाता आदमी, उनके फोन आने लगते हैं कि सर 10 बजे चेकआउट करना है, 10 बजे चेकआउट। ऐसा लगता है जैसे लात मार के निकाल। कम से कम होटल में भाई, आदमी हॉलीडे पे आया, घूमने आया, रिलैक्स करने आया, कम से कम 11 बजे का चेकआउट होना चाहिए। तो कभी भी ये भी देख ले, कभी भी किसी होटल में रुक रहे हैं तो 11 बजे का चेकआउट हो, 10 बजे का ना हो पहले पूछ लो, वरना 10 बजे का चेकआउट बहुत भारी पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, 11 बज चुके हैं और अब हम मसूरी गेटवे होटल से चेकआउट कर रहे हैं। इनकी एक तो शटल सर्विस ने कल परेशान किया, ये बोल रहे आज कोई दिक्कत नहीं है, वो कल ही दिक्कत थी। आधा घंटा में यहाँ से जाने में, आधा घंटा उधर से आने में वेट करना पड़ा लाइब्रेरी चौक से। और इनके जो फर्स्ट फ्लोर पर रूम है, यानी कि बालकनी वाले, ये सबसे पहले भरते हैं लोग, इधर ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू नीचे, पर नीचे का अलग मज़ा है। देखिए जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम है उसमें वो फैमिली कैसे बैठी है, बिल्कुल धूप में आके अपना मस्त बैठी है। तो आप धूप की कोई कमी नहीं है, धूप सुबह आ जाती है 9 बजे यहाँ पे, क्योंकि सूरज इस तरह से ऐसे घूमता है ना पूरा, तो शाम तक ही रहता है जब तक सन डाउन नहीं हो जाता। तो ये होटल वैसे तो नीट एंड क्लीन है, सब कुछ बढ़िया है, पर खाना बहुत बेकार है। पनीर इतना बेकार था ना, ग्रेवी इतनी बेकार थी, रायता इतना बेकार था। सस्ता ज़रूर है एज़ कम्पेयर टू दूसरे होटल और माल रोड, लेकिन वैसे बहुत बेकार है। खाना मत खाना मसूरी गेटवे में अभी फ़िलहाल, अभी इसका सेव बेकार है इनका। इनकी शटल सर्विस के लिए पहले ही इनको 10 बार बोल देना कि भैया हमें लेट नहीं होना, वेट नहीं करना। तो एक शटल सर्विस का ध्यान रखना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाते हैं। लाइब्रेरी चौक यहाँ से माल रोड 0.5 किलोमीटर है। पिक्चर पैलेस का नहीं करवाते, लाइब्रेरी चौक का करवाते हैं बस। तो जो इसके रूम है अभी तो मुझे हमें 2200 रुपये में के करीब में पड़ा था, बाकी सीज़न में 4-5 हज़ार में भी पड़ जाता होगा। तो फिलहाल ये है सीन भाई, बराबर में ही ITBP है, ये शायद ITBP पाब्लो की रोड है, अंदर इन्हीं के सेंटर है अपने, और मसूरी से 0.5 किलोमीटर पहले है ये। तो फिलहाल तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, फेब्रुअरी चल रही है, विंटर चल रहा है, बहुत अच्छा सनशाइन, बहुत अच्छी धूप है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल सुभाष चौधरी ब्लॉग्स, इस तरह के ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी बज रहे हैं 11 अप्रोक्स और 15th of February है। हमारा यहाँ स्टे था मसूरी गेटवे होटल में, मसूरी में थे मैं और लक्ष्मी। अब यहाँ से जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का कोई होटल बुक नहीं है, अभी कौन सा होटल बुक करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसा व्यू आएगा, वो आप हमारे साथ बने रहिए। चलो अब यहाँ से चलते हैं मसूरी से। तो वेलकम, बाय बाय टू मसूरी। ठीक है, हमारा यहाँ स्टे था मसूरी गेटवे होटल में, मसूरी में थे मैं और लक्ष्मी। अब यहाँ से जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का कोई होटल बुक नहीं है, अभी कौन सा होटल बुक करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसा व्यू आएगा, वो आप हमारे साथ बने रहिए। चलो अब यहाँ से चलते हैं मसूरी से। तो बाय बाय टू मसूरी। ये देखो दोस्तों मसूरी, हम रास्ते में हैं और यहाँ से मसूरी क्लियर दिख रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई हम कहाँ रुके थे, इतने सारे घरों में, इतने सारे होटल्स में, पर कह नहीं सकते कुछ। देखो दोस्तों, वापस हम देहरादून आ चुके हैं, अभी बज रहे हैं 11:52 और पतझड़ चालू होगी भाई फरवरी मिड में। आज 15 फरवरी है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे होली के आसपास का सीजन होता है ना, वो महसूस हो रहा है मेरे को। साल का जंगल है ना राइट साइड में, आप देख रहे हो ऐसा जंगल भरा पड़ा है पूरे देहरादून में, हर जगह बीच बीच में भी है देहरादून के ऐसा जंगल, और आसपास लच्छीवाला फॉरेस्ट हो गया, राजा जी तो इससे भरा पड़ा है, और कोरबेट भी। ये जंगल वहाँ होता है साल का पेड़, जहाँ पे गर्मी पड़ती है और यहाँ पे गर्मी होती है। और अभी देखना ये इतना लाल हो जाएगा ना मार्च अप्रैल में, इतना सुंदर लगता है, और पूरी सड़क ना पूरे पत्तों से घिर जाती है। इतना प्यारा मंथ होते हैं ना मार्च अप्रैल में, एक एक मंथ को जीता हूँ यहाँ पे। ये देखो ना कितने मजे आते हैं यहाँ रहने में देहरादून में, दिस इज देहरादून। और वो आप सुभाष चौधरी व्लॉग्स पे देख ही लेते हो अच्छे से। और भी कोई यूट्यूब चैनल ऐसा है नहीं कि जो इस तरह से देहरादून को आपको फील करवाए। मेरा चैनल वो ज्यादा लोग देखते हैं जो देहरादून में से कनेक्टेड है, रहे हैं या रहना चाहते हैं। सो दोस्तों, अभी हो रहे हैं 12:44 और हम पहुंच चुके हैं देहरादून के स्थल एरिया में, घर के पास से होते हुए जा रहे हैं। और थोड़ा भूख लग गई थी क्योंकि वहां पे तो एक टोस्ट ही खाया था होटल में, और यहां पर हम खाएंगे पहाड़ी साफले और भी बाकी कुछ। ये देखो साफले, अभी तो मैं हाफ प्लेट ले रहा हूँ जो कि 30 की है, फुल साइज 60 की है। और इनके यहाँ कुरकुरे मोमो सुपर, सब कुछ ही बढ़िया मिलता है दीदी के यहाँ पे। कम, आजकल बहुत टाइम से नहीं बनाया। अच्छा, तो ये कुरकुरे मोमो बन रहे हैं अपने?
और यह साफ ले, इसको भी फ्राई करोगे ना? ठीक है ठीक है। तो दोस्तों एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये कितना बड़ा पुस्ता हो रहा है, जैसा हमने अपने प्लॉट पे करवाया ना ऐसा ही पुस्ता है ये बिल्कुल। ये देखो कितना बड़ा, ये पता है कितने लाख का हो रहा होगा? सिर्फ यही पुस्ता 10 लाख का हो रहा होगा, सिर्फ यही पुस्ता। और यहाँ पे ना एक कैफे बनेगा, जिसकी भी प्रॉपर्टी है रोड साइड, वो पहले पुस्ता बना रहा है फिर लेंटर डालेगा, तो यहाँ पे कैफे बनाएगा। ये मुझे बताया इन दीदी ने जो यहाँ पे ये कुरकुरे मोमोज चला रही हैं। तो भाई ये स्थल ऐसे उठता जा रहा है, बूम पूरा बूम। अभी भी मौका है, यहाँ पे कुछ प्लॉट हैं, किसी को लेने हैं तो भाई ले लो, डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं हेल्प कर दूंगा। मैं जो यहाँ पे लोग हैं जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अपनी, उनका नंबर दे दूंगा, आप आ जाना विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट करो, फिर नहीं मिलने वाला भाई ये। देखो दोस्तों साल का जंगल छट गया है, जैसे जैसे ऋषिकेश जा रहे हैं मिक्स फॉरेस्ट आ रहा है, इतना प्यारा दिन है ना। अभी हम आ गए हैं पाव वाला सोडा, ये बहुत प्यारा विलेज है पाव वाला सोडा, और अब आने वाला है थानो। ये थानो का फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया है, जो देहरादून से ऋषिकेश का 50 किलोमीटर का रास्ता है। सुपर्ब है सुपर्ब, कभी आप इसको कवर करना, कभी देहरादून आओ, देहरादून से ऋषिकेश जाना या ऋषिकेश से देहरादून वाया थानो, मेन रोड से मत आना, थानो से आना। तो एग्जैक्ट 2:45 हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ये है गेट ऋषिकेश का, और सामने है राम झूला, राइट में यही पार्क करूंगा कार। सो दोस्तों एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं राम झूला ऋषिकेश। बहुत नीट एंड क्लीन पानी है, उस तरफ नाव चल रही है, सामने ही होटल है, बस चलो थोड़ा सा ही और चलना है। चलो अभी ऑफ सीजन है ना, तो इतने टूरिस्ट नहीं है, पर बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में, क्या दिन निकला हुआ है भाई। ये रामझूला के पास का मार्केट है, गंगा जी के इस तरफ का, कुछ आयुर्वेदा की दुकानें हैं। लक्ष्मी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कह रही थी मसूरी से अच्छा है ना, कह रही हाँ मसूरी अपनी जगह ठीक था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मसूरी से तो खैर अच्छा है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। सो रामझूला येरा सामने, और इसी के इस तरफ सामने ये सान इंडिया इन होटल है जिसमें हम रुकेंगे। मसूरी वाले होटल का तो मैंने टूर दे दिया, इसका भी दे देता हूँ भाई, कोई स्पॉन्सर नहीं है, पूरे पैसे दे रहा हूँ, 2000 रुपये में इन्होंने बुक किया है। अब ऑफ सीजन के हिसाब से ज़्यादा और कम रहता है, ऑफ सीजन ऑन सीजन का हिसाब रहता है। ये सामने होटल से कैसा व्यू आएगा सेकंड फ्लोर से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी आप ऋषिकेश आओ तो यहाँ पर रुक सकते हैं। चलो हमारा सामान उठाने के लिए भैया को मैंने बुला लिया था। सो भाई हम पहुँच गए हैं सानिध्य इनकी सेकंड फ्लोर पर, और यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है रामझूला का। वाह, इससे बढ़िया होटल व्यू क्या मिलेगा आपको, क्योंकि लक्ष्मण झूला क्लोज है, ग्रास ब्रिज बनेगा वो तब चलेगा, फिलहाल रामझूला पर रुक रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक यही ब्रिज है जिससे हम उस तरफ जा सकते हैं। एक उधर जानकी सेतु है लेकिन वहाँ पे कोई होटल नहीं है, और वहाँ पे अच्छा भी नहीं रुकना, ये सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पे आप सामने रामझूला बीच जा सकते हैं, गंगा आरती जा सकते हैं, परमार्थ निकेतन जा सकते हैं, कुछ भी खाना पीना हो सब कुछ तो यहीं पे ही है। अब देखो मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ, ये यहाँ पर रूम है, कॉम्पैक्ट सा रूम है, इतना बड़ा भी नहीं है, बस यहाँ पे हमारे लगेज आ गए हैं, और जो इसके मैट्रेस हैं वो 6 इंच हैं, और अच्छे, ये उससे अच्छे हैं मसूरी वाले, जो मसूरी गेट पे होटल था ना उससे अच्छे हैं, उससे महंगे वाले मैट्रेस हैं। और लाइट वगैरह आ रही है, एसी लग रहा है, पंखा लग रहा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, 2 बोतल इन्होंने दे रखी है। और जो वाशरूम है वो ऐसा है, बोल रहे गीजर वगैरह सब कुछ है, टॉवल दिया है, स्पेसियस है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, कोई किसी भी तरह की स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। इस होटल से मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, गूगल कर लो सानिध्य इन और गूगल मैप से भी, और हर जगह से नंबर मिल जाएगा। वैसे भी मैं इनका बोर्ड दिखा देता हूँ, ये रहा, आप यहाँ से भी नंबर ले सकते हैं। ये सिर्फ सुभाष चौधरी पे मिलेगा, बिल्कुल इस तरह की ब्लॉगिंग। मसूरी का होटल दिखा दिया, यहाँ का होटल दिखा दिया, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मार्केट कितना बड़ा है, सामने चाय की टपरी है, चाय बना रहा है वो, इधर कुछ भी खाओ घूमो फिरो, इधर उस तरफ चले जाओ वहाँ पे गीता भवन वालों की कैंटीन है, शुद्ध देसी घी का खाना मिलता है, इतना सस्ता कचौरी मिलती है, 25-30 रुपये में सब कुछ मिलता है, वो उस तरफ है, अगर मौका मिला तो वहाँ भी। और सामने देखो भूतनाथ टेम्पल दिख रहा है, देखो रामझूला के ऊपर सामने भूतनाथ टेम्पल दिख रहा है शिवजी का, और ये सामने मणिकूट पर्वत है, और उधर रामझूला बीच, शाम को उस तरफ जाएंगे। अभी देखो सन की डायरेक्शन, देखो सूरज इस तरफ है, सूरज देवता इस तरफ है, और अभी बच रहे हैं 3:07, तो धूप यहाँ तक आ रही है। ये मसूरी होटल वाली ही लोकेशन डायरेक्शन है इसकी, धूप पूरी आती है, पूरा दिन आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना तौलिया वगैरह कपड़े यहाँ पे धो के यहाँ भी सुखा सकते हैं।
और लगातार आपको थोड़ी सी चहल पहल महसूस होगी क्योंकि हमेशा लोग चलते रहते हैं यहाँ पे। तो इसकी लोकेशन ऐसी है सुपर, इसके बराबर में संस्कृति है, लेकिन वो 8,000-9,000 रुपये का एक कमरा है, ये हमें 2,000 रुपये का पड़ा है। साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, और क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो बढ़िया है। तो ये सब आपको सुभाष चौधरी ब्लॉग्स में मिलेगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर लेना, इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। अभी हम कहाँ खाना खाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो भी देखते रहिएगा हमारा यहाँ पे स्टे कैसा रहने वाला है। A few moments later. So, दोस्तों एग्जैक्ट 4:18 हो रहे हैं और यहाँ पर ये माहौल है। यहाँ पर जो धूप आ रही थी वो चली गई है, सिर्फ यहाँ पर आ रही है कोने वाले रूम में। और अगर आप इसका बिल्कुल कोने वाला रूम लेंगे ना, ये वाला जो कि 110 नंबर है, मैं तो 107 में रुका हुआ हूँ, तो आपको ऐसा व्यू आने वाला है यहाँ से। शायद कोने वाले रूम में विंडो नहीं है, अगर इसमें विंडो होती तो और भी अच्छा व्यू आता। और देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये राम झूला पूरा। अब जैसे जैसे सनसेट होगा ना, तो आपको राम झूला पे बहुत अच्छा सीन आएगा, राम झूला से और वो जो भूतनाथ टेम्पल है वहाँ से और परमार्थ निकेतन की आरती से। मतलब सनसेट के टाइम पे आपको इस तरफ ही रहना है, गंगा जी के उस तरफ, ताकि वहाँ से व्यू आए हाई बैंक से। उस तरफ से बहुत प्यारा सनसेट का व्यू आता है, क्योंकि इस तरफ सनसेट होता है ना, अगर गंगा जी के इस तरफ हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तपोवन में हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको गंगा जी के उस तरफ ही रहना है, सुपर व्यू आता है। तो भी क्या है, लक्ष्मी को पीनी थी चाय, मैं तो चाय कम पीता हूँ, तो वैसे तो चाय वाले यहीं पे नीचे आवाज़ मारो दे जाएगा, लेकिन जो यहाँ के जो मैनेजर हैं सानिध्य हैं इनके, उन्होंने बोला पंजाबी चाय वाला है जो पीपल के पेड़ पे वहाँ पे, वो सबसे नंबर वन है, तो उसका नंबर इन्होंने दिया, वो चाय लेके आ रहा है। तो उसने एक चाय लाने से तो मना कर दिया, आप दो चाय मंगाइए, तो वो आएगा तब मैं दिखाता हूँ चाय। देखो इस तरह से फ़ोनर आ रहे हैं, कि कैमरा देखो इसके पास कितना ख़तरनाक है, ऐसे भाई एक फ़ोनर उस तरफ वहाँ पर खड़ी है। तो यहाँ पर जो मौसम बना रहता है ना फॉरनर्स का, और जो क्लाइंट है ना यहाँ पे, जो मतलब दिल्ली एनसीआर के भी काफ़ी अच्छा क्लाइंट आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आप ना किसी भी तरह के कपड़े पहन के घूम सकते हो, फैशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना ध्यान नहीं देता, कोई डॉक्टर नहीं। बल्कि एज़ कम्पेयर टू मसूरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे थोड़ा क्राउड थोड़ा सा अलग है, मैं खुल के क्या बोलूँ, फिर काफ़ी लोग बुरा मान जाते हैं। क्राउड बिल्कुल मतलब छेड़खानी वाला क्राउड रहता है वहाँ पे। चाय कैसी लगी ये बताओ? सुपर है ना भाई, चाय इसकी पंजाब वाले की सुपर है। और यहाँ से देखो लक्ष्मी कैसे बेड पर बैठी है, और यहाँ से व्यू, वाह, होटल में बैठ के व्यू, वाह, ऐसा तो 5-स्टार होटल से भी नहीं आता भाई, वाह क्या रूम है। सो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:17 और मैं आपको एक बार फिर से यहाँ का व्यू दिखाना चाहता हूँ इस होटल से, सानिध्या इन से। वाह, दिस इज़ द बेस्ट अल्टीमेट व्यू, जो कि आपको ना लेमन ट्री से मिलेगा, ना यहाँ के और फेमस होटल से मिलेगा, ये तो सुपर है। सिर्फ 2,000 रुपये में ये रूम मिला है, और इसका व्यू ये देखो, ये रूम और ये व्यू है ना सुपर। यहाँ खड़े होकर आप कभी बोर नहीं होने वाले, नीचे मार्केट है, लोग घूम रहे हैं, उस तरफ से आ रहे हैं टूरिस्ट, सीधा राम झूला जा रहे हैं, क्रॉस करके गंगा आरती जा रहे हैं परमार्थ निकेतन उस तरफ। हमारा प्लान था कि हम शाम को इवनिंग आरती मैं जाएंगे या फिर सनसेट के लिए जाएंगे, लेकिन भाई हम मसूरी से सफ़र करके आए थे तो हम थोड़ा थक गए। इस होटल की एक डिसएडवांटेज तो है कि इस रूम से ही, विंडो से ही पूरा व्यू दिखता रहा, ऐसा लगा हम घूम रहे हैं, रूम में बैठ के ही घूम रहे हैं, तो हमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और देखो लाइटें जल चुकी हैं राम झूला की, क्या सुपर लग रहा है, सामने भूतनाथ टेम्पल की लाइटें जल चुकी हैं, सुपर व्यू है। टाइम हो रहा है 6:18, ओ माई गॉड। चलो अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा उस तरफ मार्केट में घूमें पूरा, फिर आके खाना खाने हम फ्रॉग लाइफ जाएंगे, खाना उस तरफ नहीं खाएंगे, खाना तो अपने फेवरेट फ्रॉग लाइफ कैफे ही खाना है। सो लक्ष्मी कैसा लग रहा है? है ना बढ़िया लग रहा है ना। सो दोस्तों अभी पता कितना टाइम हो रहा है, ये देखो 6:46। जब शादी हो जाती है ना तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है रूम से निकलने में, पहले क्या था कि एकदम से भाग जाता था मैं, लेकिन अभी लक्ष्मी हो रही है तैयार, तुम्हें दिख भी नहीं रही होगी, सूज पहन रही है। अरे भाग्यवान चलो जल्दी। अभी मैं इसको बोल रहा हूँ, बार बार टोकता हूँ कि थोड़ा जल्दी तैयार हो जा, थोड़ा जल्दी तैयार हो जा। मसूरी में भी थे तो अभी मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग दी है, अभी मैं इसको बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ तैयार होने लगी है जल्दी। पहले जैसे 2 घंटे लगते थे तो अब 1.25 घंटा लग रहा है, धीरे धीरे इसको 15-20 मिनट में ले आऊँगा, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। सो दोस्तों फाइनली रूम से निकल पड़े हैं, कितने बज रहे हैं? 6:51। चलो लक्ष्मी ये बाद में यूज़ करना, वाह 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 चलो। सो यहाँ पे ना सामने एक स्टैंड है, वहाँ से राम झूला बहुत प्यारा लगेगा, तो पहले वहाँ से फोटोग्राफी करते हैं फिर जाएंगे राम झूला क्रॉस करके। ये है वो स्टैंड, अब देखो इस स्टैंड से क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या रिफ्लेक्शन में राम झूला आ रहा है, ऐसा हमारे होटल से नहीं आ रहा था। सामने होटल है उस तरफ, कुछ फोटोग्राफी यहाँ पे करते हैं। और भूतनाथ टेम्पल देख रहे हो वहाँ पे रेड कलर का, वो जो दिन में दिख रहा था कितना प्यारा लग रहा है, वाह वाह भाई वाह। सामने लेमन ट्री वो वाला होटल,
और पूरा रामझूला बीच पे काफ़ी लोग हैं लेकिन दिख नहीं पा रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर दिए हैं, कुछ रील के लिए भी कुछ वैसे। तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप रील चेक करते रहना भाई, मसूरी की और ऋषिकेश की काफ़ी सारी रील मैं पोस्ट करूँगा। तो हम अच्छे अच्छे स्पॉट पे घूम रहे हैं, किस तरह से घूमना चाहिए उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा, कब कहाँ पे। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, सनसेट में आपको दिखा नहीं पाया हूँ, सॉरी, कल कोशिश करूँगा। वरना अभी भी हम निकले हैं, अभी बज रहे हैं 7। तो अभी देखो, हम सबसे पहले होटल से निकल के इस तरफ आए हैं जहाँ से कि व्यू आ रहा है पूरे रामझूला का। अभी इसको क्रॉस करते हैं, कुछ फोटो वहाँ पे लेंगे, फिर चलेंगे उस तरफ, पूरा मार्केट घूमेंगे परमार्थनी के तक, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे अपने फेवरेट फ्रॉग लाइफ कैफे। तो देखो, खाना खाने से पहले बच्चे सब मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। आपको ये नज़ारा हर जगह ऋषिकेश में देखने को मिल जाएगा, हर जगह आश्रम्स हैं, हर जगह गुरुकुल हैं, हर जगह मंदिर हैं। ये वाइब है यहाँ की, जो कि आपको मसूरी में देखने में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी पूरे इंडिया में। मैक्लोडगंज चले जाओ, धर्मशाला चले जाओ, मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, ऋषिकेश इज़ द बेस्ट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं दिखा देता हूँ ये क्या है, ये श्री दर्शन महाविद्यालय ट्रस्ट। हाँ, ये कोई महाविला स्वामी राघववास कुछ है, ये दिख नहीं रहा, बोर्ड मिट गया है। इसको क्या बोलते हैं, ऋषिकुल है ना, हाँ काफी पुराना है ना, कौन सा महादर्शन विद्यालय स्कूल। अच्छा, महादर्शन विद्यालय स्कूल है। अभी खाना खाने से पहले मंत्र उच्चारण कर रहे हो? हाँ, चलो बढ़िया। लक्ष्मी कुछ बोल रही है, ये बोल रही है कि ये यहाँ पे ही मिलती है, तो ये लेके चलना है एक, ये कावड़ी वाले, मैंने कभी खरीदे नहीं है ये वाले। चलो ठीक है, देखेंगे। वैसे इनका क्या प्राइस है? 150 का है भाई। चलो देखेंगे, हाँ साइज मिल जाएंगे, ठीक है। कॉटन के होते होंगे पूरे, है ना? ठीक है, कॉटन ही है, ये मिक्स है ना, कॉटन है। सो दोस्तों, वेलकम टू रामझूला। वाह, हिल रहा है भाई ये, तुम्हें महसूस हो रहा है हिलते हुए? ये हिल रहा है ना? मेरे को तो नहीं हो रहा। हाँ हिल रहा है, एग्जैक्ट 7:06 हो रहे हैं और यहाँ पे किसी ने श्री राम वाला झंडा लगाया हुआ है बीचों बीच। रामझूला से राइट में ये व्यू आ रहा है रिफ्लेक्शन में, उस तरफ शत्रुघ्न घाट है, वहाँ पे गंगा आरती हो चुकी है क्योंकि अभी 7:06 हो रहे हैं। बहुत शांत माहौल है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर हम रामझूला से लेफ्ट साइड देखेंगे ना, रामझूला बीच को, तो इतनी चकाचौंध नहीं दिखाई देती, सब अंधेरा ही दिखाई देता है। राइट साइड में ही है सारे आश्रम जो दिखाई देते हैं। लक्ष्मी के साथ पहला व्लॉग हो रहा है, ये पहली बार मैंने इसी केस विजिट किया है। रामझूला क्रॉस करके हम लेफ्ट में नहीं जाएंगे रामझूला बीच की तरफ, हम जाएंगे मार्केट की तरफ राइट में, जो परमार्थ निकेतन को रास्ता जा रहा है। वाह, मुझे अच्छा लग रहा है कि भीड़ इतनी है, ज़्यादा नहीं है, वरना भाई यहाँ पे ना बहुत भीड़ रहती है। सबसे ज़्यादा भीड़ का मालूम पता यहाँ पे चलता है इस जगह पे। सो देखो भाई, बंदरों की फाइट हो रही है अभी भी रात में, बहुत सारे बंदर हैं इस पीपल के पेड़ पे। रामझूला क्रॉस करके ये स्पॉट भी अच्छा है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए, तो कुछ समय हम यहाँ भी बिताएंगे। ये देखो कितना प्यार आ रहा है रामझूला रिफ्लेक्शन में, और इस तरफ से लेफ्ट में भी काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ फोटोग्राफी हो गई है, 7:12 हो रहे हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ। चलो, पॉपकॉर्न भी मिल रहे हैं, श्री गंगा आयुर्वेदा स्टोर भी खुला हुआ है, चोटी वाला रेस्टोरेंट सामने कभी मत जाना, आई डोंट रिकमेंड दिस। पर इसी केस में इस तरह के कपड़े मिलते हैं देखो, सारे शिव जी जी के या स्पिरिचुअल टाइप या रुद्राक्ष की दुकानें। विंटेज फैशन में लक्ष्मी को ये वाली ड्रेस पसंद आई है, ये वाली। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस मिलेगी, यहाँ पे ऐसी ड्रेस मिलेंगी जो बाकी जगह नहीं मिलेंगी। तो ये है भाई गीता भवन की मिठाई वाली दुकान, जहाँ पे देसी घी में मिलता है सब कुछ। अरे मेरठ की कॉपी कर रखी है नान खटाई की, पर इतनी बढ़िया नहीं है। हाँ, वो मेरठ वाला स्वाद नहीं आएगा थोड़ी सी। कितने की है कम से कम? 100 रुपए की है कम से कम, 250 ग्राम, उससे कम में नहीं मिलेगी, 50 में नहीं मिलेगी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, कम से कम कितने की है? 10 रुपए की एक पीस है, तो एक काम करो 2 पीस दे दो। चलो भाई 2 पीस देते हैं, नान खटाई भी कई तरह की, जो मेन है ये वाली दे दो। भैया ठीक लगी, 20 रुपए के 2 पीस काफ़ी अच्छे लगे। देखो गीता भवन में दिखाता हूँ क्या प्राइस है, मैंने पहले भी दिखाए थे लेकिन दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरी सब्जी देसी घी में बनी है, सिर्फ 30 रुपए की है। ये 25 रुपए की है पूरी सब्जी, इसको बोलते हैं मसाला पूड़ी, ये सिंपल वाली है। और ये कचौरी है ना 15 रुपए की चटनी के साथ, बाकी मिठाइयाँ हैं ये प्राइस है, ज़्यादा महंगी नहीं है। सो दोस्तों, वो वाला मंदिर आ गया जो 24 घंटे सत्संग चलता है, एक बंदा जरूर मिलेगा, एक उठ गया तो दूसरा बैठ जाएगा। Thank you.